अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं चॉकलेट का स्पॉन्ज। चॉकलेट का स्पॉन्ज बनाने के लिए हमने ये 4 अदद अंडे लिए हैं, 100 ग्राम चीनी ली है और 1/2 कप हमने ऑयल लिया है, तकरीबन 125 ml। और अब हम इसमें सारे अंडे तोड़ के डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से इसे बीट कर देंगे। इसी में हम 100 ग्राम चीनी ऐड कर देंगे और तकरीबन 1/2 कप हमने ऑयल डाल दिया है। इसमें सब चीज़ें साइड में रख देंगे और अब इसको बीट करेंगे जब तक ये क्रीमी फॉर्म के अंदर ना आ जाए। आपको जब तक बीट करना है जब तक ये क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए। ये देखें, हमारा टेक्सचर बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए कि जब आप इसको उठाएं तो ये ऐसे हो। ये देखें, हमने ये छन्नी रख ली है और ये हमने 100 ग्राम मैदा लिया था जो हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको छानते जाएंगे, घुमाते चले जाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। पतीला हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, पतीला हमारा देखें थोड़ा सा और लेंगे। फिर इसी तरह हम सारा प्रोसीजर करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम मैदा ऐड करेंगे इसके अंदर। एक साइड से इसी डायरेक्शन में घुमाते रहेंगे। देखें इस तरह हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। मैदा डालने के बाद जैसे बटर का बैटर तैयार होता है, रिबन की तरह इसकी रिबन इस तरह बनने लगे। हम इसमें दूध शामिल करेंगे 1/2 कप, देख सकते हैं आप, ये 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हमने इसमें वनीला एसेंस शामिल करना है। टीस्पून हमने इसमें डालना है बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून हमने इसमें बेकिंग सोडा शामिल कर दिया है। इसको मिला लेंगे अच्छी तरह, इसी तरह मिलाते जाएंगे। 1 टेबल स्पून हमने कहा, 1/2 टेबल स्पून हम इसमें कोको पाउडर शामिल कर देंगे और ये 1/2 लेंगे। अच्छा, इसी के अंदर हमने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड कर देने हैं बिल्कुल बराबर करके, 1 और 2 कॉर्नफ्लोर भी इसमें शामिल हो। अब हम इन सबको छान लेंगे अच्छी तरह क्योंकि हम लोग बना रहे हैं चॉकलेट स्पॉन्ज। अब हम इसको बैटर को बना देंगे। अब हमने बटर पेपर ले लिया है कटिंग करने के लिए। अब हम इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे, इतना यहाँ से हम इसको कटिंग कर लेंगे। आया था, अब हम अपनी चाय की पतीली में बना रहे हैं, केक बेक कर रहे हैं चाय की पतीली में, कि इसमें कैसा बेक होता है। रख दिया है और अब देखें व्यूअर्स, हमारा जो है स्पॉन्ज तैयार हो गया है। और ये देखें आप, देखें कितना अच्छा लग रहा है। और ये हम एक टूथपिक ले लिए है, ये हम इसके अंदर डाल के देख रहे हैं। ये देखें, ये और ये देखें बिल्कुल खुश्क है, बिल्कुल भी गीला नहीं है। पहले मैंने चेक करा था तो यहाँ से देखें गीला था, बना नहीं था, और अब मैंने चेक किया है तो ये बच चुका है। ठीक है, देखें व्यूअर्स, ये केक हम निकाल रहे हैं छुरी को साइडों में से ऐसे चलाकर, और अब हमने केक निकाल दिया है। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा केक बना है और बिल्कुल भी नीचे से जला नहीं है, कितना अच्छा बेक हुआ है। और ये केक बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट बनाता, बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता, और इसको सादा ही खाने में इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा इस स्पॉन्ज की, और इसी तरीके से बिल्कुल बनाइएगा तो आपका स्पॉन्ज भी बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ बनेगा। और इंशाल्लाह आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्पॉन्ज बन के निकलेगा। और यहाँ पर मैं इस स्पॉन्ज की कटिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो है ना छुरी नहीं है काटने की, केक काटने की नहीं है, तो मैं घर की जो होती है आम छुरी उसी से काट रही हूँ। और ये बहुत इजीली कट भी गया था क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट था तो आसानी से इसके पीसेस हो गए थे, जिस तरह वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि कितने आसानी से इसके सारे पीसेस निकल आए थे। और ये बहुत सॉफ्ट था, जब मैं इसे हाथ में ले रही थी तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा था, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार